कैथल में आज भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिस बीच मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के प्रदेश प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव कुमार तथा हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। मुख्य अतिथियों ने नए कार्यालय में नारियल फोड़कर तथा रिबन काटकर शुभारंभ किया। उसके बाद भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके पूरे कार्यालय का अवलोकन किया। प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि हरियाणा में भाजपा को और मजबूत करने के लिए सभी जिलों में भाजपा कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी तर्ज पर आज कैथल में भी ऋषि कपिल मुनि के नाम से कपिल कमल कार्यालय का नाम रखा गया है, जिस बीच पार्टी की सभी गतिविधियां जिला कार्यालय से सुचारू रूप से चलेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा कार्यालय सरकार तथा प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर चलेगा तथा भाजपा कार्यालय से भी आम लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सेवाएं दी जाएंगी। जिस बीच भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय में अटल सेवा केंद्र खोला जाएगा ताकि लोग आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। कैथल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कैथल के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी को, मंत्री कमलेश ढांडा जी को, सांसद नायब सैनी जी को, विधायक लीलाराम गुर्जर जी को एवं समस्त पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि कपिल कमल कार्यालय का आज उद्घाटन कैथल में हुआ है और हमारे माननीय प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्यसभा सांसद बिप्लव देव जी के हाथों से हुआ है। हमारे सब साथी कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी इसमें इस मौके पर सहभागी हूँ। हमारे लिए कार्यालय का मतलब बहुआयामी है। एक समय था जब हम केवल जो है संगठन करता थे, उसके बाद सने हम जब चुनाव लड़ने लगे तो चुनाव प्रबंधक बने, चुनाव प्रबंधक से आगे बढ़े तो आंदोलनकर्ता बने, आंदोलनकर्ता से आगे बढ़े तो फिर हम जो है सरकार आने के बाद सेवाभावी संगठन बने और अब उससे भी एक लेवल और जाके प्रशासन सहयोगी CSC भी हमारे कार्यालय में चल रही हैं। यहाँ भी मैं आह्वान करता हूँ तुरंत एक अटल सेवा केंद्र यहाँ खोला जाए, इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचाने का ये कार्यालय केंद्र बने, क्योंकि हमारा संगठन जैसे अभी आप सेवा पखवाड़े में देख रहे हो, आपने और पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं देखा होगा इस तरह से। अब हम एक केवल आंदोलनकर्ता नहीं, केवल चुनावी प्रबंधक नहीं, हम सेवाभावी संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा कर रहे हैं। जो जिस तरह से भी सेवा करता है, जिसकी सरकारी योजनाओं से कोई संबंध नहीं हो, और ऐसे भी सेवा करता है कि सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुँचाना, जिसके लिए मैंने सब इस्तेमाल किया प्रशासन शासन सहयोगी के रूप में भी, तो ये कार्यालय भी इसी तरह की नीचे तक लाभार्थियों को चीज़ें पहुँचे, हम उनके मददगार बने, उसके लिए काम करेगा। एक नए आयाम पर यहाँ लोगों की सेवा को ले जाएगा, चीज़ों को सरल बनाएगा, इसी विश्वास के साथ आज हम इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद है कि कपिल कमल इसका नाम रखा गया है। सांख्य दर्शन के बड़े प्राचीन मुनि हमारे कपिल मुनि हुए हैं इस इलाके के साथ, जिनका नाम जोड़ा जाता है, तो उस नाते से ऐसे विद्वान जिन्होंने पहली बार विकासवाद का सिद्धांत दिया, सांख्य दर्शन दिया और एक अलग लेवल पर थिंकिंग को ले गए, चेतना को ले गए, बाकी लोग तो बाद में विकासवाद पर उस पर आए, तो ऐसे एक मुनि के नाम पर एक कार्यालय का होने से तो उस